नमस्कार, मैं हूं राखी जैन और आपका स्वागत करती हूं सत्ता संग्राम में राजनीतिक विश्लेषक अनिल लोढ़ा जी के साथ। राजस्थान में लोकसभा चुनाव अब परवान पर है। दोनों ही प्रमुख दलों के प्रत्याशी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। यूं तो राज्य की 25 लोकसभा क्षेत्रों में राजनीति उफान पर है, लेकिन जोधपुर में कुछ ज्यादा ही माहौल गरमाया हुआ है। राजनीतिक हलकों में सबसे ज्यादा चर्चा जोधपुर लोकसभा सीट की है। कारण साफ है, यहां से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। वहीं भाजपा से केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत मैदान में हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत पूरी भाजपा ने इस समय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को निशाना बनाया हुआ है। उनका ध्यान सिर्फ एक सीट पर है, सभी ये बात कह रहे हैं। अनिल जी, आप क्या कहेंगे इस पर? आपको भी कहीं ऐसा लगता है क्या? ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे, उन्होंने जोधपुर में कही ये बात जी, लेकिन ये एक सत्य है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सभी 25 सीटों पर नामांकन भरवाने गए। अविनाश पांडे कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव जो प्रभारी हैं राजस्थान के, वो भी साथ थे। डिप्टी सीएम सचिन पायलट भी साथ थे, रघु शर्मा भी साथ थे, कैंपेन कमेटी के अध्यक्ष हैं जी, मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री। तो जो व्यक्ति 25 सीटों पर नामांकन भराने गया हो और जो व्यक्ति प्रतिदिन 3 सभाएं कर रहा हो अलग अलग जगह जाके, इवन जहाँ वसुंधरा राजे का बेटा लड़ रहा है अंता में भी जाके सभा करके आए हैं और उदयपुर में भी सभा की है, मावली में की है, भीलवाड़ा में की है, सहाड़ा में, वहाँ मांडल में की है, जगह जगह किशनगढ़ में की है, दूदू में की है, अलवर जिले में कई जगह गए हैं, वो अलवर कॉन्स्टिट्यूंसी में, यहाँ जयपुर ग्रामीण में गए हैं, जयपुर शहर में की उन्होंने सभा। तो मुझे तो ये कहना उचित नहीं लगता बिल्कुल भी कि साहब वो जोधपुर तक सिमट के रह गए बेटे के चुनाव लड़ाने के लिए, बाकी राजस्थान में जा रहे हैं जी। पूरे राजस्थान में जा रहे हैं, तीसरी बार जोधपुर गए 25 दिन में। अब अगर परिवार का कोई मतलब होता है, देखिए पिता पुत्र का भी एक रिश्ता होता है, माँ बेटे का भी रिश्ता होता है, भाई बहन का भी होता है, पति पत्नी का भी होता है, तो उस रिश्ते का अगर कोई मतलब होता है तो ये मतलब तो होता ही है कि आप एक आदमी किसी संकट में हो, एक आदमी किसी काम को कर रहा हो, दूसरा उसमें सहयोग करे। अगर परिवार में होते हुए भी अगर ये नहीं किया जाए तो पारिवारिक रिश्तों का मतलब क्या, मानवीय संवेदना का मतलब क्या जी। तो ये आरोप लगाना मुझे बिल्कुल उचित नहीं लगता कि वो वहीं तक सिमट के रह गए। हाँ, वो वहाँ के विधायक हैं, उन्होंने कहा मैं सरदारपुरा का विधायक हूँ, जो लोग जोधपुर लोकसभा सीट की एक कॉन्स्टिट्यूंसी है, असेंबली सेगमेंट है जी। तो वहाँ का विधायक तो वहाँ काम करेगा ही ना एक बार तो जी। तो इसलिए मैं इस आरोप में बिल्कुल भी इससे सहमत नहीं हूँ कि वो वहीं सिमट के रह गए, पूरे राजस्थान में घूम रहे हैं, क्योंकि वो वहां के विधायक भी हैं और 5 बार वहां से सांसद रहे हैं। एक व्यक्ति किसी लोकसभा क्षेत्र से 5 बार चुना जाए, विधानसभा में 4-5 बार रिप्रेजेंटेशन कर ले, 3 बार चीफ मिनिस्टर रह ले, होम मिनिस्टर रह ले, राजस्थान का पीसी चीफ रह ले, वो अगर उसी कॉन्स्टिट्यूंसी जहां से वो विधायक भी है अगर चुनाव प्रचार करता है, तो ये कहना कि बेटे के लिए कर रहे हैं वहीं तक सिमट के रहेंगे, मुझे उचित नहीं लगता। और कितनी बात हो सकती है, पर इस बात में, इस आरोप में मुझे दम नहीं लगता कि वो बेटे के कारण सिमट के रह गए हैं और बाकी राजस्थान में नहीं घूम रहे। चलिए, ये बात तो यहीं पर रही। अगर हम बात करें वैभव गहलोत वर्सेस गजेंद्र सिंह शेखावत की, तो इस मुकाबले को आप किस तरह देखते हैं? देखिए, गजेंद्र सिंह शेखावत छात्र राजनीति से आए, विश्वविद्यालय के छात्र संघ अध्यक्ष थे, और जब से पाली में डिलिमिटेशन के बाद 2 सीटें चली गई यहां से, तो जाट बहुल सीटें तो चली गई पाली में जी, तो थोड़ा सा इस कॉन्स्टिट्यूंसी का झुकाव राजपूत ओरिएंटेड सीट हो गई। चंद्रेश कुमारी भी जीती जी। गजेंद्र सिंह शेखावत भी जीते, गजेंद्र सिंह शेखावत ने चंद्रेश कुमारी को हटाया, हराया भी। राज परिवार की चंद्रेश कुमारी हिमाचल में ब्याही है, उन्होंने चुनाव लड़ा तो एक बार वो जीती, एक बार वो हार भी गई जी। तो डिलिमिटेशन के बाद से सीट का ओरिएंटेशन माना जाता है कि वो राजपूत ओरिएंटेड सीट हो गई। इससे पहले यहाँ जसवंत विश्नोई बीजेपी के टिकट पर 2 बार सांसद रहे, 5 बार अशोक गहलोत सांसद रहे हैं कांग्रेस के टिकट पर। और राखी जी, मैं बताना चाहता हूं कि अब तक के 16 चुनाव और एक उपचुनाव में 8 बार कांग्रेस जीती है, 4 बार बीजेपी जीती है, 1 बार जनता पार्टी जीती है और 4 बार निर्दलीय जीते हैं। मेरे ख्याल से राजस्थान में ऐसा कोई दूसरा लोकसभा क्षेत्र नहीं हुआ जहां 4 बार निर्दलीय जीते हों। पहला चुनाव 1951 में हनुमंत सिंह ने जीता, वहां के राज परिवार के हनुमंत सिंह, पर उनकी एक एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी सुमेरपुर के पास, हवाई दुर्घटना में, छोटा सा विमान था,
उनका निधन हो गया तो 52 में उपचुनाव हुआ, उपचुनाव में भी इंडिपेंडेंट जीता। खास बात ये 51 में हनुमंत सिंह इंडिपेंडेंट जीते, 52 में जसवंत राज मेहता जीते, वो भी इंडिपेंडेंट थे। अगली बार वो 57 में जसवंत राज मेहता कांग्रेस से लड़के जीत गए। तो ये ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसी जहाँ निर्दलीय भी जीत सकता, लक्ष्मीमल सिंघवी देश के प्रखर विधि वेत्ता अभिषेक मनु सिंघवी के पिताजी, वो भी यहाँ से निर्दलीय सांसद रहे, लोकसभा सदस्य रहे निर्दलीय। तो इसलिए ये सीट यूं माना जाए कि कोई किसी पार्टी की जेब में ऐसा नहीं है, व्यक्ति आधारित सीट है। अशोक गहलोत भी जीते तो अपने व्यक्तिगत दम पे, व्यक्तिगत व्यवहार से, व्यक्तिगत संपर्कों से, और पार्टी तो होती है खैर साथ में जी। तो ये जिस वक्त अशोक गहलोत जीते उस वक्त सीट को जाट ओरिएंटेड सीट माना जाता था, और ऐसा माना जाता था जाट अशोक गहलोत साथ नहीं, फिर भी वो जीत रहे थे ना। तो एक बार नहीं, दो बार नहीं, पांच बार जीते जी। तो वो उनकी उस सीट पे, लोकसभा सीट पे जो आठों कॉन्स्टिट्यूंसी है उनमें वो रचे बसे हैं, और उनका बेटा चुनाव लड़ रहा है, वो भी 15 साल से राजनीति में है, कांग्रेस में सक्रिय है, चुनाव में पिता का चुनाव भी संभालता है। अशोक गहलोत तो पिछली बार विधानसभा चुनाव में नामांकन भर के आ गए थे जी, बाद में आखिरी में गए, तो बेटे ने हैंडल किया पूरा चुनाव। तो वो भी राजनीतिक रूप से ऐसा नहीं कि बिल्कुल कच्चा और नया है और एकदम आ गया, ऐसा नहीं है, पिता के कारण आ गया ऐसा नहीं है। उसने 15 साल राजनीति में काम भी किया है और कांग्रेस में भी काम किया है, इसलिए वहाँ के लोगों से वाकिफ भी है। गजेंद्र सिंह सिंघवी, क्षमा करें, गजेंद्र सिंह शेखावत जी केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री हैं, छात्र राजनीति से आए, आरएसएस के रहे, पक्के आरएसएस के होल्ड हैं, और मृदुभाषी हैं, उनका विदेशों में भी कृषि संबंधित काम है, जिससे प्रभावित होकर नरेंद्र मोदी ने उनको कृषि राज्य मंत्री बनाया जी। परंतु विधानसभा चुनाव में बीजेपी में कुछ ऐसे टिकट कटे या कुछ ऐसे टिकट मिले जिसकी वजह से भाजपा में जगह जगह खड्डे हो गए, और जसवंत विश्नोई जो 2 बार सांसद रहे वहां पर, विश्नोई वोट बहुत हो गए हैं वहां पर राजपूतों के बाद, विश्नोई वोट, मुस्लिम वोट, और उसवाल जैन और पुष्करणा ब्राह्मण, ये एक समीकरण वहां पे है अगर जाति आधार पे देखा जाए तो जी। तो सूर्यकांता व्यास वहां से भी एमएलए हैं लगातार, कई बार 5-4 बार जीत गई बीजेपी की, लेकिन 8 में से 6 सीटों पर कांग्रेस का कब्जा है। जोधपुर लोकसभा क्षेत्र में जो 8 विधानसभा सीटें आती उनमें 6 में कांग्रेस कब्जा है, जिनमें 1 सीट सरदारपुरा पर अशोक गहलोत मुख्यमंत्री राजस्थान के विधायक हैं, जो वैभव गहलोत के पिता भी हैं, ठीक है ना। तो कांग्रेस का अपरेंटली नजर आता है जी। पिछला चुनाव गजेंद्र सिंह शेखावत ने 4 लाख वोट से जीता था, मोदी लहर की बात है वो, मोदी लहर की जी, पर 4 लाख वोट भी काफी होते हैं, 4 लाख 10 हजार वोटों से जीता था। चंद्रेश कुमारी को जो राज परिवार की थी, पर हिमाचल में वो हैं, ब्याही हुई तो वहां से आके चुनाव लड़ा उन्होंने, राज परिवार का सम्मान जरूर है, पर मोदी लहर में गजेंद्र सिंह शेखावत ने उनको हराया था चुनाव 4 लाख वोटों से। अब क्या वैभव गहलोत खड़े होने से अगर 2 लाख वोट उधर से इधर आते हैं, 2,06,000 वोट तो जीत सकते हैं कि वैभव गहलोत, फर्क होता है ट्रांसफर ऑफ वोट्स का जी। 4 लाख वोट की खाई पाटने के लिए 2,06,000 वोटों का इधर से इधर आना जरूरी है खाली जी। तो लेकिन वोट भी बढ़ गए, वैभव गहलोत नौजवान है, तो जो देश में मोदी लहर नाम की चीज जो कही जा रही है वो नौजवानों में ज्यादा है, पर जहां भी जिस पार्टी का प्रत्याशी नौजवान है जी, या नायक नौजवान है, वहां पर उस लहर का प्रभाव कम हो जाता है, और नौजवान वोटर जो है वो अपने नौजवान प्रत्याशी से आइडेंटिफाई करता है जी। अनिल जी, एक बार मैं इसमें कहना चाहूंगी, हम प्रदेश में या पूरे देश में जहां पे भी देख रहे हैं, अधिकतर जो प्रत्याशी हैं मोदी का नाम लेके ही चुनाव लड़ रहे हैं, प्रत्याशी जैसे गौंड से हो गए हैं, लेकिन जोधपुर जो सीट है वहां पर ये बात है कि जो ये चुनाव है प्रत्याशी नहीं है वहां पर, गहलोत वर्सेस मोदी ये चुनाव है। देखिए मोदी जी जिस तरह बोले भाषण में, उन्होंने तो ये कर दिया मोदी वर्सेज गहलोत, पीएम वर्सेज सीएम चुनाव कर दिया जी उन्होंने, बिल्कुल ठीक है ना। पर ऐसा नहीं है, गजेंद्र सिंह शेखावत 5 साल में अगर उन्होंने कोई काम किया है तो, काम नहीं किया है तो, उसको वहां की जनता नजरअंदाज नहीं करेगी, और 5 साल का हिसाब किताब उनको देना पड़ेगा, दे रहे हैं वो, अलग बात है। प्लस बीजेपी के अंदर जसवंत विश्नोई किधर जा रहे हैं, दूसरे जाट नेता किधर जा रहे हैं, अभी इस पर भी नजर रखने की जरूरत है। और जहां तक वैभव गहलोत है उनकी तो क्लीन स्लेट है, उनकी स्लेट पर अगर कुछ छोटी मोटी लिखावट है तो वो पिताजी वाली है जी, पिताजी के साथ जो लोग हैं वो उनके साथ है, पिताजी साथ अगर कोई नहीं है तो उनके साथ नहीं है ठीक है। लेकिन वो इंडिपेंडेंटली नौजवानों को कनेक्ट कर रहे हैं, तो इसलिए वो कड़ी चुनौती पेश कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि केंद्रीय मंत्री हैं गजेंद्र सिंह, और गजेंद्र सिंह के साथ जो सबसे बड़ा इस वक्त मुझे एक बात नज़र आ रही है वो ये कि उन्हें पहले
वसुंधरा राजे के समय में जी प्रदेश भाजपा का अध्यक्ष बनाने का तय कर लिया गया था और वसुंधरा राजे ने वीटो करके उनको रोका जी प्रदेश अध्यक्ष बनने से। और अब जो राजस्थान में भाजपा की राजनीति है उसमें वसुंधरा राजे, प्रधानमंत्री मोदी की सभा थी जोधपुर में, वसुंधरा राजे नहीं थी, नहीं थी उसमें। जो मुख्यमंत्री रहा है पिछले विधानसभा चुनाव तक वो जोधपुर में प्रधानमंत्री सभा मौजूद नहीं है, उदयपुर में मौजूद, उदयपुर में मौजूद नहीं थे, उदयपुर में दिया कुमारी थी उनका इलाका था वो, राजसमंद लगा हुआ। तो राजनीति के गलियारों में, सियासत के गलियारों में ये चर्चा बहुत आम है कि वसुंधरा राजे ने दिया कुमारी को भी टिकट मिलने का विरोध किया, गजेंद्र सिंह शेखावत के तो विरोध में वो रही है, उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनने दिया, इसलिए वो उदयपुर और जोधपुर दोनों प्राइम मिनिस्टर की सभा में नहीं थी। अब कहने को कहा जाता है उनके पहले से प्रोग्राम थे, ये थे वो थे, वो अलग बातें हैं, लेकिन इस बात के राजनीतिक निहितार्थ निकाले जा रहे हैं। और अगर वास्तविकता यही है कि वसुंधरा राजे का खेमा राजस्थान में इस वक्त अपने आप को हाशिए में महसूस कर रहा है जी, या उसकी अनदेखी हो रही है, या केंद्र के आला कमान ने, बीजेपी आला कमान ने पूरी कमान अपने हाथों में ले रखी है चुनाव की, प्रकाश जावड़ेकर के जरिए, संगठन महामंत्री चंद्रशेखर के जरिए, राज्यवर्धन खुद लगे हुए हैं, ये सब मोदी के प्रतिनिधि हैं, राज्यवर्धन भी, गजेंद्र सिंह शेखावत भी, तो ये जो सब लग रहे हैं। और ऐसे में अगर राज्य समर्थक ग्रुप शांत बैठा रहता है, या जसवंत बिश्नोई काम नहीं करते हैं, या कि जाट वहाँ के जो हैं वो एक्टिवेट नहीं होते हैं बीजेपी के पक्ष में, तो मुकाबला तो कड़ा ही, चुनौती कड़ी है। क्योंकि एक बात हमको समझनी चाहिए कि स्थानीय तौर पर एक नाक का सवाल भी होता है। नरेंद्र मोदी जिस तरह गुजरात की नाक बने हुए हैं, ऐसे अशोक गहलोत जोधपुर की नाक है जी। जो आदमी 5 बार सांसद ले लिया, चीफ मिनिस्टर ले लिया 3 बार, और जोधपुर के लिए काम तो उन्होंने किया ही होगा निश्चित तौर पर, लेकिन जोधपुर का आदमी इस बात से अपने आप कनेक्ट करता है कि हमारे जोधपुर को राज्य का मुख्यमंत्री गौरव का मुख्यमंत्री देने का गौरव अशोक गहलोत के जरिए मिला है, बरकतुल्ला के जरिए मिला था पर थोड़े समय के लिए था। अशोक गहलोत रिपीटेडली 3 बार, एक के बाद एक नहीं लेकिन अंतराल के बाद बार बार चीफ मिनिस्टर बने, केंद्र में मंत्री बने, 5 बार सांसद रहे, तो जोधपुर में जनता से कनेक्ट तो है, लेकिन जनता के लिए भी वो एक तरह नाक का सवाल है। एक आत्मीयता भी जो गहलोत जी की है वो देखते ही बनती है, लोगों से जिस तरह मिलते हैं, उनका बर्ताव है, कितने लोगों को नाम से जानते हैं, गलियों में निकल पड़ते हैं, कभी टैक्सी में जाते हैं, कभी ऑटो में जाते हैं जी, उसका तो उन्होंने सफाई दी ऑटो में, तो इसलिए गलियों में जाता हूँ कि भाई गलियों में कार से जाऊँ तो ट्रैफिक रुक जाता है, इसको भी एक इशू बनाया गया था। हाँ, तो ट्रैफिक रुक जाता है, वो बोले मैं चीफ मिनिस्टर रहता हूँ नहीं रहता हूँ तो भी ऑटो से ही जाता हूँ मैं गलियों में जोधपुर की, तो वो तो खैर अलग विषय है, पर पॉलिटिकली कोई इसका ऐसा कॉग्निशन नहीं दे रहा था वो ऑटो में आ गए, अब चीफ मिनिस्टर होते हुए, वो चीफ मिनिस्टर नहीं होते तो भी ऑटो में जाते हैं, होते हैं तो भी जाते हैं, ऐसा उन्होंने कहा है जी। लेकिन गजेंद्र सिंह शेखावत वहाँ पर भले से उनको 5 साल का हिसाब देना पड़ रहा हो, भले 5 साल की बात बीजेपी के अंदर के सब बातें हो, लेकिन वहाँ चुनाव मूलतः अशोक गहलोत बनाम पीएम मोदी होने वाला है जी। और अशोक गहलोत के 3 बार मुख्यमंत्री होने से आनंदित या उत्साहित या जोश में भरे लोग कांग्रेसी हैं, वहाँ पर 6 सीटें कांग्रेस के पास है, इसलिए भाजपा के निवर्तमान सांसद, केंद्र के कृषि राज्य मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की राह आसान नहीं है जोधपुर में, ये मैं कहना चाहता हूँ जी। तो चलिए, देश में चौथे चरण का चुनाव 29 अप्रैल को है और राजस्थान में पहले चरण का चुनाव 29 अप्रैल को है, उसी दिन जोधपुर में भी मतदान होगा, उसी दिन पता चलेगा कि किस तरफ रुझान बढ़ रहा है। अभी लेते हैं छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं।